नमस्कार दोस्तों, एक बार नए वीडियोज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं हाथरस, जो कि यूपी का एक हिस्सा है, एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आना जाना करते हैं और बड़े बड़े कांड से लेकर सब कुछ हाथरस में आप सुने ही होंगे। तो आज के इस वीडियोज में हम आपको बताएंगे कि हाथरस का जंक्शन आप कैसे पहुँचेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जंक्शन के अगल बगल। इन सभी चीज़ों पर आज के इस वीडियोज में हम बात करेंगे। कहाँ आप घूम पाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हाथरस, जिसका स्टेशन कोड है HRS, जब भी आप सर्च करेंगे तो हाथरस का आ जाएगा आपका। और इसका प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म चार प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं इस तरीके से चार प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अनेक ट्रेनों जो हैं वो आती हैं और रुकती है, और फिर लोग यहाँ से एक दूसरे को यहाँ से दूसरे जगह पे जाते हैं। उतना बड़ा स्टेशन नहीं है, फिर भी बहुत ही बड़ा है और जंक्शन है, चूँकि अन्य लाइन को भी यहाँ से जोड़ा जाता है। तो हाथरस में जब भी आप जाएंगे और इसके अगल बगल, जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको होटल की सुविधा मिल जाएगा। अगर आप रूम रेंट में रहना चाहते हैं तो गेस्ट हाउस भी आपको मिल जाएगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज में आता है ये, जो कि इसको ऑपरेट करता है। अगर ओनर की बात करें तो इंडियन रेलवेज का है, जो कि पूरी तरीके से बहुत ही बड़ा क्षेत्र में है। हाथरस यूपी का ये हिस्सा है, जहाँ पे नाइट में इस तरीके से दृश्य रहता है, अद्भुत नज़ारा। शाम को भी चार प्लेटफॉर्म है, चार प्लेटफॉर्म में अलग अलग जो है लाइनें बिछाया गया है, जिसमें अलग अलग गाड़ियाँ जो है वो चलती रहती है। हालाँकि यहाँ पर बड़े गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, एक ग्राउंड है जहाँ पर आप गाड़ी वगैरह थोड़ा बहुत पार्किंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, एक दो दिन के लिए, तो आपको ऐसा सुविधा यहाँ पर नहीं मिलता है। ये हाथरस का हम आपको दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे जनसंख्या की बात करें 2011 में, तो यहाँ पे था 15,64,000 कुछ था, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये अलीगढ़ डिवीज़न में आता है, हाथरस डिस्ट्रिक्ट एक पार्ट है, जो कि पूरी तरीके से बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग हैं जो कि किसान मित्र से बिलोंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खेती होता है और बाजरे वगैरह खेती, इन सभी का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। काफ़ी संख्या में लोग भी पहुँचते हैं। तो जब भी आप यहाँ विजिट कर रहे हैं हाथरस सिटी, हाथरस जंक्शन, तो आप इन सभी जगह पे आप घूम सकते हैं और देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म का नज़ारा है, जहाँ पे आप जाएंगे तो हाथरस जंक्शन के बाहर इस तरीके से नज़ारा है। यहाँ से जैसे ही अंदर जाएंगे तो आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहाँ से आप टिकट वगैरह कटा सकते हैं और फिर जो है अपना ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं। अन्य जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर रिजर्वेशन भी हो जाएगा, साथ साथ में आप अगर अन्य जगह पर जाते हैं तो आपको टिकट भी मिल जाएगा। तो ये हाथरस जंक्शन का पूरा नज़ारा है, जहाँ पर अंदर में जो प्लेटफॉर्म में पानी पीने का और एक दो दुकानें भी मिल जाएगा, उन सब दुकानों में आप अपना सामान वगैरह ले सकते हैं और देख सकते हैं। जब भी आप इस रूट में विजिट कर रहे हैं, इस रूट में अगर आप जा रहे हैं, तो इस रूट में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। मथुरा कासगंज या फिर इन सभी जगह पे आप जाएंगे तो ये हाथरस जंक्शन होते हुए जो ट्रेन है वो जाती है, जिसके ज़रिए आप हाथरस जंक्शन में भी देख सकते हैं और यहाँ पर घूम सकते हैं।